टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग उठ गए हैं, अंशु उठ गया है जल्दी, रेशु का लेट हो गया। रेशु का थोड़ा सा मतलब दिन दिन लग रहा है ना, थका थका लग रहा है रेशु को, इसलिए रेशु अभी अपडेट नहीं है, थोड़ी देर बाद रेशु फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं अब उठते अपना अपना काम करने। और क्या क्या लिख रहा है, कौन आ गया, बात सुनते सुनते आ गई। हम लोग की यहाँ बात करें तो टिमी आ गई, टिमी अभी सोई हुई थी, फिर टिमी उठ के आ गई ना। टिमी तुम सो रहा था ना अभी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखिए टिमी कबूतर लोगों को खाना देना है। तो कबूतर लोग आ गया है, चलते लोग खाना दे देते हैं। रियल फ्लावर आर्ट। अब हम आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने। तो आज हम बना रहे पनीर का सब्जी, जो कल अंशु को प्रॉमिस किए थे। तो पनीर का सब्जी और रोटी। चलिए अब नाश्ता बना के आपसे मिलते हैं। अपना सारा काम ख़त्म कर लिए, फ्रेश भी हो गए हैं। सारा काम मतलब जैसे कपड़ा साफ करना, झाड़ू पोछा और खाना, लंच का पूरा तैयारी हो गया, पूरा खाना भी बन गया मेरा। हम तो एकदम फ्री है अभी, हमको बहुत ये लग रहा है ना, खुशी लग रहा है कि सारा काम फिनिश कर लिए अभी अंशु लोग आने के पहले। तो आज कपड़ा धूप में सुखाए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ फैन में सुखाने से एक स्मेल आ जा रहा था, तो आज फैन में सुखाए हैं, धूप में सुखाए हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाए हैं। ये तो अभी चावल है, दाल है, और ये हम बनाए थे एकदम मतलब मिक्स सब्जी है, टमाटर का चटनी है, और अभी रोटी भी तो बनाए थे, और पनीर का सब्जी तो अंशु लोग सुबह बना ही दिए थे। हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता नहीं किए हैं तो हम जाते हैं नाश्ता करने। तो लीजिए मेरा बेटा आ गया है, अंशु यशु दोनों आ गया, और अंशु थोड़ा गर्मी से थोड़ा परेशान है तो पानी मांग रहे हैं। तो अंशु यशु को पहले पानी दे रहे हैं, क्योंकि हाँ ना कुछ दिन तो बहुत बरसात हुआ, बट अभी इतना धूप हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, मतलब बता नहीं सकते। पुरलिया का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो थोड़ा थक जाता है लोग आके। तो अभी रूम पूरा क्लीन है, आधा घंटा के बाद पूरा रूम अंशु रेशु फिर वैसे गंदा कर देगा। ये रेशु अंशु को पानी दे दिए हैं, अब जाते हैं अंशु को और रेशु को खाना देने, क्योंकि सुबह भी नहीं खा के गया था ना वो लोग आज। तो ये पनीर का सब्जी और रोटी तो सुबह दिखाए थे, बट हम लोग पनीर नहीं खाए थे, सिर्फ अंशु रेशु के लिए बनाए थे, और उसके दादा दादी के लिए हम लोग तो दूसरा सब्जी बनाए थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत पनीर पसंद है, तो हम लोग उसके लिए रख देते हैं, उन लोगों के लिए रख देते हैं। चलिए लोग खाना दे देते हैं। तो अचानक से आके बोलते हैं कि चलो तुमको एक जगह लेके जाएंगे, बट बताया नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम भी रेडी होके निकल गए, बट अभी तक हमको पता नहीं था कि ये कहाँ हमको लेके जा रहे, बस हम जा रहे थे इनके साथ। तो जा तो रहे थे, हम बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, बट बता नहीं रहे थे। और अभी चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली दिख रहा था, क्योंकि बरसात का सीज़न है और बरसात भी यहाँ बहुत हुआ है, सब तरफ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तक हमको सच बताइए बताए नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए फाइनली डैम, कौन डैम है ये, पतलोई, पतलोई डैम। वेलकम टू पतलोई इरिगेशन का स्कीम। यहाँ पे ठंडा में ज़्यादा भीड़ रहता होगा, हाँ ठंडा के दिन पिकनिक भी स्पॉट, इतना सारा गाय ये देखिए। तो ये डैम हम लोग आए थे, इतना घास हो सके, पानी इसमें कम है लेकिन, है ना, और उधर ज्यादा पानी है, पानी पानी। तो यहाँ से सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना।
बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ से पूरा वहाँ से पता चल रहा है। यहाँ फिशिंग भी हो रहा है, मछली पकड़ रहा है। देखिए मछली होगा ना इसमें, तो हम लोग आते आते शाम हो गया है। तो ये डाउन में है, हम लोग काफ़ी ऊंचा में आए हैं, इधर बहुत हाइट में है, ये तो नीचे है। तो यहाँ से पानी कहाँ जाता होगा? निकल जाता बाहर में। वहाँ बच्चा लोग खेल रहा है कितना अच्छी से। इसे तो वहाँ बच्चा लोग खेल रहा है, उनको डर नहीं लग रहा है इतना हाइट नीचे जाके खेल रहा है? नीचे से गया है, उधर जाके दिखे, उधर चलते हैं। तो यहाँ से पानी का फ्लो देख लीजिए, हम लोग बहुत हाइट पे है ना, फिर भी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। उधर का डैम बंद है, इधर का चालू है। अभी बंद है, खुला हुआ। एक तरफ का खुला हुआ, एक तो खुला हुआ है, तीन तो बंद है। बंद है, एक गेट से हल्का हल्का पानी निकल रहा है, एक गेट से पानी निकल रहा है, हल्का हल्का खुला हुआ है। वह जा सकते हैं नीचे? हाँ, सीढ़ी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सीढ़ी है, वहाँ पे सीढ़ी है, वहाँ पे सीढ़ी है। तो हमें ब्रिज के इस तरफ आए हैं, ये वाला गेट बंद है ना, ये वाला गेट बंद है, ये वाला खाली गेट का चालू है, ये चालू है, बंद है। अच्छा ये भी बंद है, तो दिखाइए गेट अच्छा सा। ये पूरी तरह से गेट बंद है, ये पानी का बहाव देखिए, सूरज कितना सुंदर लग रहा है। देखिए 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 वहाँ पे बोला है ना, वो वाला गेट देखते हैं क्या, जिसमें से पानी खुला हुआ देखते हैं। उधर चलिए देखिए मछली मछली मछली, ये गेट पूरी तरह से बंद हो गया है ना, जो खुला हुआ देखते हैं, जो खुला हुआ गेट वो देखते हैं। ये भी गेट बंद है, हल्का हल्का पानी लीक हो रहा है, वो भी गेट बंद है, ये भी गेट बंद है, और देखते हैं उधर में और दो गेट है। तो देखिए यहाँ से सूरज कितना सुंदर लग रहा है, गेट से थोड़ा ही नीचे है, और ये भी गेट बंद है। आगे चलते हैं, वो वाला गेट खुला होगा। ये भी गेट बंद है, लेकिन साइड का एक तो कोना खोला है ना, मतलब साइड का एक तो कोना से, मतलब एक तो एक साइड से, तो एक साइड से इतना पानी का फ्लोर हो रहा है, अब पूरा खोलेगा तो कितना पानी जाएगा। और यहाँ से भी सूरज कितना सुंदर लग रहा है। तो इनको डर लग रहा है कि हम इनका फोन कहीं पानी में ना गिरा दें, तो एक साइड से खुला हुआ है। हम लोग डैम के ऊपर जा रहे हैं, अब हम इस पर चढ़ सकते हैं, यहाँ से जंप भी कर सकते नहीं यहाँ से जंप नहीं करेंगे, यहाँ जंप करेंगे तो बचेंगे नहीं। देखिए पूरा डैम है, देखिए मेरे पीछे पूरा डैम है, हम इतना ऊंचाई पे आके खड़े हैं, तो यहाँ पे डेंजर जोन है, यहाँ पे नहीं जाने का, लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम सेफ्टी में खड़े हैं, तो हम साइड में खड़े हैं। तो कभी अंशु लोगों को लेके आएंगे, अंशु रिशु साथ में आएंगे ना, तो बहुत ऊंचा में डर भी लग रहा है। तो काफी ऊंचा में खड़े थे, तो वहां पे सनराइज हो रहा है,
तो अब शाम हो रहा है, हम लोग चलते हैं घर। यहाँ से जाने में भी हम लोग को टाइम लगेगा, फिर काफ़ी दूर है घर से। और अब एक बात है ना, हम लोग का होटल भी पार होगा, तभी होटल भी जाएंगे अपना, वहाँ पे रुकेंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो आज हमको ये बिना बताए लेके आए थे यहाँ पे, हमको पता नहीं था कि हम लोग डैम में आ रहे हैं, नहीं तो अंशुलों को भी लेके आते। तो कभी फिर, अब कभी अंशुलों को लेके आएंगे। तो चलिए अब शाम हो रहा है, हम चलते हैं यहाँ से, चलिए। और इनको डर भी लग रहा है कि इनका फ़ोन हम ना गिरा दे पानी में। हाँ बाबा, एक ही फोन है। तो चलिए अब चलते हैं घर, अंशुलों को बताएंगे ना, अंशुलों बहुत खुश होगा। वो चीज़ हमको बहुत सुंदर लग रहा है, बार बार एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। वो सूरज देखिए कितना सुंदर डूब रहा है ना। टर्न हो रहे हैं, बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, बहुत खाली खाली भी है, लेकिन पिकनिक के टाइम पे इतना खाली नहीं होगा। तो ये कभी पिकनिक के टाइम पे आएंगे और अंशु ऋषि को लेके आएंगे। और आज तो शाम भी हो गया ना, हमको पता नहीं था कि इतना दूर है। चलिए चलते हैं घर, नहीं जाएंगे पहले, हम लोग का यहाँ पे होटल पड़ेगा बीच में, तो पहले होटल जाएंगे फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो ये सब गाय सब दिन भर चरने आई थी यहाँ पे, घास वूस चरती, अब शाम हो रहा था, सब अपना अपना घर जा रहा है। तो ये गांव है ना, यहाँ पे सबके घर में ही गाय रहता होगा, नहीं इतना सारा गाय है सब। और सब एक ही साथ जा रहा है, सब एक लाइन में लब बना के जा रहा है, कोई इधर उधर नहीं जाता है। इतना इन लोगों को पता है कि हमको कहाँ जाना है, सभी को अपना अपना घर टाइम पे चलाया, सब अपना टाइम पे और अपना अपना घर ही जाएगा इन लोग। ये दो ठो अलग हो गया है, शाम भी हो गया धीरे धीरे। ये रहा हम लोग का होटल, हम लोग का होटल से थोड़ा सा दूर में ही है, तब हम पहुँच गए। मेरा हम लोग का होटल है फ्रेंड्स विलेज द ढाबा। अगर आप कभी पुरुलिया आए, इस रोड से पार हो, तो प्लीज यहाँ पे रुकिएगा। पुरुलिया से 13 किलोमीटर है, पुरुलिया से ज्यादा दूर नहीं है, 13 किलोमीटर है बाखला की रोड में। तो ये हम लोग का होटल। और ये रहा एंट्रेंस, ये रहा किचन, ये तो आप लोग देखेंगे मेरे ब्लॉग में। तो बस अभी होटल में अपना बैठे हैं, थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर जाएंगे घर। तो चलिए आपको फिर से होटल का टूर देते हैं। तो ये हम लोग का होटल का किचन है, ये हम लोग का वहाँ पे कुछ बन रहा है। और ये पेंटिंग, जब हम पिछले बार आ रहे तो ये पेंटिंग सब इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसको रुक रुक के पार्ट पार्ट करके बनाते हैं, जैसे एक बार बना के आधा फिर छोड़ देते, फिर सूखता है, फिर दोबारा बनता है, जैसे कर करके पूरा ये कम्प्लीट हो गया। पूरा ट्रेडिशनल टाइप का है ये, और ये सब पूरा ट्रेडिशनल पुरुलिया का यहाँ पे। और जो स्टेचू है ना, ये गांव का हाथ से बना हुआ है, ये मिट्टी से बना हुआ है। ये पहले बाहर था, बट इसको अभी अंदर ला के रख दिए हैं, क्योंकि बरसात में मिट्टी का है तो ख़राब हो जाएगा। और ये हम लोग का होटल का पीछे का एरिया है, ये तो आप ऋषु के बर्थडे में देखे होंगे, जो पीछे प्लांट सब था ना, वो सब प्लांट सब काट दिए। पता नहीं इधर कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ काम चलेगा, उसलिए सारा पेड़ सब काट दिए हैं। तो ये रहा मेरा होटल। तो हम लोग का चाय आ गया है। और ये प्लांट तो मैं हर ब्लॉग में देखे होंगे, लगता है आर्टिफिशियल पर है ये ओरिजिनल। इसमें क्या मम्मी, इसमें क्या? अरे क्या सब्जी का नाम बताया, खड़े खड़े विशु इधर आपको दिखाइए मम्मी, हटी ये है लच्छा पराठा। अरे क्या करोगे, लच्छा पराठा देखिए ये येलोश का है, उसमें कुछ डाला है गार्लिक या कुछ डाला है, देखो है ना टेस्टी है ना, मसाला लच्छा पराठा, इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। अपने बोला हेलो हेलो, वाह टेस्टी लग रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। वाह बोलो, इसमें भी वाह बोलो, वाह अभी खा लेंगे, तो गर्म है खा लेंगे अभी नहीं, अभी तो कितना ही बज रहा है, गरम देने से ठंडा रोटी हो गया है। हाँ रोटी सब खा लेंगे रात को, अभी लच्छा पराठा खत्म कर दे। हाँ ठीक है, एक तो मत खोलता नहीं, उसी में डाल दो। अंशुल के लिए उसका फेवरेट फेवरेट खाना लेके आए हैं, पता है उन्होंने अपने बना के दिए, मतलब कि हाँ अंशुल पसंद होगा।
तो हम लोग इला खाते हैं और मेरे बाल पूरा खराब हो गए क्योंकि बहुत हवा चल रहा है। हाँ गंभीर अंकल, तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग के लिए, बाय, गुड नाइट, बाय।